नमस्ते, दिस इज द थर्ड चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आपके नाभि के यहाँ पे सिचुएटेड है, नेवल के यहाँ। उसका कलर है येलो, उसका तत्व है अग्नि, उसका वर्चू है पावर, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, और उसका बीज मंत्र है रंग। ये फायर बेस्ड चक्र है। यहाँ पे जो कुछ भी चीज जैसे आप अंदर डालते हैं यहाँ पे स्वाहा हो जाती है। द ग्लैंड दैट इट इज कनेक्टेड टू इज द पैनक्रियास। इसलिए जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर मणिपुर चक्र पे ध्यान दें तो उनका डायबिटीज पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है ना। उसका वर्चू इज इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ये कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम में ज़्यादा इशू करता है, बिकॉज हर इंसान को इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस की ज़रूरत होती है, और वो अगर उस इंसान को उसी तरह से नहीं मिलता जिस तरह से वो सोचता है, देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप इशू ओवर देयर। ये हमारी ज़रूरत भी है, हम सभी को इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस चाहिए होता है। आप कितने भी बड़े हों या कितने भी छोटे मामूली से इंसान हो, ऑल ऑफ अस नीड इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन आर लाइफ। अब ये चक्र जब ओवरड्राइव पे चला जाता है, देन यू गो इनटू दिस सिचुएशन वेयर यू विल ग्रैब पावर एट व्हाटएवर कॉस्ट। ये ज़्यादातर हम वेरी हाईली डोमिनेटिंग या इगोइस्टिक लोगों में ये नज़र आता है। दे वेरी इनसेंसिटिव पीपल, जो चाहे हो, जो मैं कहूँगा मैं करूँगा, उसी तरह से दुनिया चलनी चाहिए, ये उनके एटीट्यूड होते हैं। दे वेरी इगोइस्टिक पीपल, दे विल ग्रैब पावर एट व्हाटएवर कॉस्ट। इफ इट इज स्लो, दे गो इनटू अ पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर काइंड ऑफ सिचुएशन। ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर ये है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वर्ड, यू मे हैव लर्न्ड ऑफ इट, बट दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ मीनियल्स। जो लोग फॉर्मली नहीं कह सकते हैं कुछ भी, ये चीज अडॉप्ट कर लेते हैं। यू विल सी दिस इन ओल्ड पीपल। अगर कोई घर में बूढ़ी औरत हो तो हमेशा ये आपको सुनाई देगा कि हाँ, बच्चों को हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और मैं एक नौकरानी की तरह बच्चों को संभाल रही हूँ। फिर बेटा या बहू फेडअप होके बोलेंगे, भाई हमको नहीं कहीं जाना है। यू नो, दिस इज द एटीट्यूड। सो व्हाट दे डू इज दे हैव गॉट व्हाट दे वांटेड। इन कॉर्पोरेट्स यू विल सी दिस आल्सो। कॉर्पोरेट्स में अगर सेक्रेटरी को एक बॉस की तरफ कुछ अनबन है या बनती नहीं है, शी वॉन्ट्स टू टेक हर रिवेंज, दैट सेक्रेटरी विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। शी विल नॉट गिव द फाइल ऑन टाइम, शी विल नॉट डू अ वर्क ऑन टाइम, शी विल नॉट रिपोर्ट ऑन टाइम, विच फ्रस्ट्रेट्स द बॉस। सो दिस एटीट्यूड, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर एटीट्यूड, ज़्यादातर जिन लोगों में साफ बोलने की हिम्मत नहीं होती, ये इस एटीट्यूड में चले जाते हैं। सो दिस आइदर वे इज नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू। ईच ऑफ अस नीड पावर, ईच ऑफ अस नीड इम्पोर्टेंस, बट इसका एक बैलेंस होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस हो जाता है, या तो आप अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं या पैसिवली अग्रेसिव हो जाते हैं। दिस इज द रीजन अगेन योर मणिपुर चक्र, अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, अगेन अकॉर्डिंग टू मी हैज़ टू बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड। थैंक यू।